दोस्तों फिर हाजिर हैं अपने एक नए मोबाइल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेक्चर के साथ। दोस्तों आज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मेरा गला बैठा हुआ है। इसका कारण है वर्कलोड का बढ़ना और हमारे साथ बहुत स्टूडेंट्स का जुड़ना। मुझे बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज के लेक्चर में हम आपको इजी टैग से, इजी टैग प्लग से कैसे वाया यूएसबी डम किसी मोबाइल का बनाते हैं ये बताएंगे। इसके अलावा कॉम्पिगलेक्सी टीम के पिछले कुछ दिनों के सक्सेसफुल एमएमसी हैंडसेट्स की हम आपको रिपोर्ट देंगे। दोस्तों हमारा मोबाइल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम सफलतापूर्वक चल रहा है। हम लोग आपको बता चुके हैं कि इसमें हम लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स या हार्डवेयर टेक्नीशियंस मोबाइल का सॉफ्टवेयर का काम बहुत कम समय में सीखना चाहते हैं तो वो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़कर इस मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। यदि आपको इस विषय में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और इसमें डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं। दोस्तों मैं आज आपको एक चीज़ फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप कोई भी चीज़ मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या लैपटॉप का काम सीखना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो टीचर्स इस काम को साथ साथ कर रहे हैं वही आपको काम सिखा सकते हैं। आपको ऐसा तैयार कर सकते हैं कि आप किसी भी मोबाइल शॉप पर बैठकर मोबाइल का काम सीख आसानी से कर सकें। दोस्तों जहाँ प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, जहाँ नॉलेज नहीं होती है, वहाँ आप कुछ भी नहीं सीख सकते। क्योंकि हम लोग का इंस्टीट्यूट इस मामले में डिफरेंट है कि हम लोग क्या जो भी टीचर्स हैं वो 10-12 साल से मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, इसलिए वो अपना अनुभव जब आपको शेयर करते हैं तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि क्या क्या मोबाइल में चेंजेस हो चुके हैं और आपको आज की डेट में जो भी लेटेस्ट हैंडसेट आ रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना है। दोस्तों क्या क्या मोबाइल में चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन सी नई आईसीएल लग रही हैं, इन सब के साथ आपको कैसे रूबरू होना है, ये सब हमारे यहाँ सफलतापूर्वक पर बताया जाता है। तो दोस्तों चलिए आज हम अपने इस ऑनलाइन लेक्चर में आपको बताते हैं कि ईसीजी टैग के क्लासिक टूल से आप कैसे यूएसबी के द्वारा मोबाइल किसी भी हैंडसेट का बैकअप डंप रीड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर क्षमा चाहता हूँ कि मेरा कुछ गला बैठा हुआ है, इसकी वजह से हम लोग का थोड़ा काम बढ़ना है। इसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया जा रहा है। हमारा यूट्यूब चैनल 1250 सब्सक्राइबर होने के नज़दीक हैं। दोस्तों इतना प्यार आपका हमें मिल रहा है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे कमेंट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी तरह कमेंट करते रहिए और हमको प्रोत्साहन देते रहिए ताकि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों चूंकि मैं हर संडे को एक वीडियो लॉन्च करता हूं, इसलिए चूंकि गला बैठा होने के बाद भी मैं आपके सामने ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूं, थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं होगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कुछ हल्की सी नॉलेज के साथ। इसके बाद आपको हम इस लास्ट कुछ दिनों की आपको टेस्ट रिपोर्ट देंगे जो सेटअप ने बनाए हैं। आप हमारे फेसबुक पेज राजमोहन सिंह पर भी जाकर इन टेस्ट रिपोर्ट्स को दे सकते हैं। दोस्तों चलिए आज के हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई यदि आपके पास हैंडसेट ऑन है और यदि आप उसको रूट कर लेते हैं तो आप उसकी डम कैसे बना सकते हैं, इसकी फैसिलिटी इजीज़ी टैग प्लस में दी हुई है। कहाँ पर है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इजीज़ी टैग बॉक्स लगा हुआ है मेरे कंप्यूटर पे और मैं इजी टैग टूल क्लासिक टूल खोलने जा रहा हूँ। इसका लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है यह भी आपको मैं दिखाता हूँ। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है। क्लासिक सूट का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.4.0.2 है, ठीक है। ये देखिए खुल रहा है, इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, लोडिंग इंटरफेस लिख के आ रहा है।
ऑलरेडी ZTAC प्लस मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है, जिससे मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए खुल गया है ZTAC 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनके कई पार्ट्स हैं, इजी रिपेयर, ZTAC, NAND, MMC, USB, सेटिंग्स। आपको USB खोल लेना है। दोस्तों यदि कोई भी हैंडसेट जिसकी आपको डम बनानी है वाई USB के थ्रू, तो पहली शर्त यह है कि उसको आपको रूट करना पड़ेगा। तो दोस्तों रूटिंग के कई प्रोसेस हैं, जैसे किंगोर एक रूट एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू भी आप रूट कर सकते हैं। दोस्तों इस सबसे बड़े इस स्टेप का फ़ायदा यह है कि आपको इसके लिए IC नहीं निकालनी पड़ेगी या ISP के थ्रू पिन आउट से सोल्ड नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यह आती है कि आप हैंडसेट को रूट कर लें। रूटिंग की कई प्रोसेस हैं, जैसे आप मैनुअल रूटिंग TWRP रिकवरी के द्वारा इंस्टॉल करके सुपर SU फाइल डाल सकते हैं, या फिर किंगो रूट से कुछ सेट रूट हो जाते हैं। तो दोस्तों जब आप किसी हैंडसेट को रूट कर लेते हैं तो यहाँ पर ZTAC ADB पे क्लिक करिए। दोस्तों मेरे पास इस टाइम कोई हैंडसेट नहीं है, इसको मैं मैन्युअली आपको समझा रहा हूँ। बाकी बहुत सारे वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं, कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, जिसमें मैंने ये एक एक चीज़ आपको बताई हुई है। क्योंकि हर हफ्ते मैं एक वीडियो डालता हूँ जिसमें आपको कुछ नया देने की कोशिश करता हूँ और अपने इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे ZTAC ADB करेंगे, इसमें लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको मोबाइल की सेटिंग में जाकर डेवलपर ऑप्शन में USB डिबगिंग ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका हैंडसेट कनेक्ट होगा, ठीक है। जब आप USB डिबगिंग ऑन कर लेंगे और सेट को रूट कर लेंगे, उसके बाद जब आप हैंडसेट को ऑन कंडीशन में लगाएंगे, ZTAC ADB करेंगे, तो यहाँ पे हैंडसेट की इन्फो शो हो जाएगी। इसके बाद आपको ZTAC पार्टीशन पर क्लिक करना है। इस पर ये देखिए ZTAC पार्टीशन, यहाँ पे पूरे पार्टीशन शो हो जाएंगे आपको। उसमें ROM 1, ROM 2, ROM 3 पार्टीशन दिखाई पड़ रहे हैं, उस पर टिक लगा देनी है, ठीक है। और उसमें कुछ सिक्योरिटी बैकअप डाटा, जैसे NV डाटा यदि MTK हैंडसेट है, और कॉल यदि Qualcomm हैंडसेट है तो आपको उसमें परसिस्ट FSG Modem 1, Modem 2 इस टाइप का डाटा ले लेना है। दोस्तों हम लोगों ने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि बैकअप के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये मैं बहुत क्लियरली अपने पेड वीडियो प्रोग्राम में बता चुका हूँ, या मैं आपको एक हल्की सी डिटेल दे दे रहा हूँ। उसको जब ये पार्टीशन यहाँ पे शो होंगे, तो उसमें मेन पार्टीशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लिमिट डंप साइज पे क्लिक करना है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 512 MB की डम एक सफिशेंट होती है ओके सेट की, किसी भी हैंडसेट को ज़िंदा करने के लिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बेसिकली MMC की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बहुत सारे हैंडसेट्स जो डाउनलोड मोड पे आके फ्लैश होते हैं, जैसे आप देखिए सैमसंग हैंडसेट डाउनलोड मोड पे आके फ्लैश होता है, जिसका डाउनलोड बटन है -Volume, होम और पावर बटन। इसके अलावा HTC के हैंडसेट भी फास्ट बूट मोड पे फ्लैश होते हैं, LG के हैंडसेट भी डाउनलोड मोड पे फ्लैश होते हैं। जितने भी हैंडसेट डाउनलोड मोड पर फ्लैश होते हैं, यदि किसी कारणवश वो ऑफ हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, तो वो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होते। तो हम लोग को उन हैंडसेट को कंप्यूटर से कनेक्ट कराने के लिए एक डम फाइल की ज़रूरत पड़ती है, टेस्टेड डम फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये डम फाइलें कैसे बनती हैं, आज मैं आपको एक USB मेथड बता रहा हूँ, जिसमें आपको IC MMC निकालनी नहीं पड़ती और ISP के थ्रू कनेक्ट नहीं कराना पड़ता है। केवल हैंडसेट को बिना खोले USB से आप किसी भी ओके हैंडसेट की डंप रीड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बस आपको हैंडसेट को रूट करना है, और ज़्यादातर हैंडसेट यदि आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो रूट हो जाते हैं। यदि आपको सैमसंग के हैंडसेट रूट करने हैं, तो आपको EFT डोंगल लेना पड़ेगा। EFT डोंगल सैमसंग की फाइलों से ही रूटिंग फाइल बना देता है। इसके अलावा बहुत सारी मैनुअल रूटिंग दी हुई है, कुछ हैंडसेट किंगो रूट से भी रूट हो जाते हैं। तो दोस्तों जो भी सॉफ्टवेयर का काम प्रॉपर कर रहे हैं, वो ये जानते होंगे कि रूटिंग कैसे करते हैं। जो हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं बंदे, उनको रूटिंग के वीडियोस भी हम लोग ने अलग से अवेलेबल कराए हुए हैं, रूटिंग के लगभग सारे मेथड बताए हुए हैं। तो जब आप हैंडसेट को रूट करके ZTAC ADB पे क्लिक करेंगे, उस पर ZTAC पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पार्टीशन आपके शो हो जाएंगे। अब आपको
कितने एमबी का पार्टीशन बनाना है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 512 एमबी का पार्टीशन सफिशेंट होता है। इसको बनाने के बाद आप डम पार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक फोल्डर खुलेगा, आप जो भी हैंडसेट है चाहे सैमसंग का हो, चाहे एमटीके हो, चाहे माइक्रोमैक्स हो, चाहे लावा हो, आपको वो उस हैंडसेट के नाम का फोल्डर बनाकर ये डम सेव कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरह आप देखेंगे कि आप वाया यूएसबी किसी भी हैंडसेट का डंप रीड कर सकते हैं। ये इजी क्लासिक टूल की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, आप इसका यूज़ करिए और अपने एमएमसी वाले हैंडसेट्स को आसानी से ज़िंदा करिए, क्योंकि जब कंप्यूटर की कनेक्टिविटी मोबाइल से नहीं हो पाती है तब हमें उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए उसमें डंप डालना ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे हैंडसेट ऐसे होते हैं जो हैंडसेट डेड मोड पे फ्लैश हो जाते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें तो आईसी ख़राब होने पर हमें रीप्रोग्राम करनी पड़ती है या ख़राब होने पर हमें आईसी चेंज करनी पड़ती है। लेकिन कई हैंडसेट ऐसे होते हैं जिसमें ये जैसे सैमसंग हैंडसेट में कई बार गलत कॉम्बिनेशन फाइल डालने से डेड हो जाता है, या एसटीसी का हैंडसेट किसी कारण डेड हो जाता है, कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता है, या एलजी का हैंडसेट डेड हो जाता है केवल क्वालकॉम पोर्ट बनाता है। तो हमें उस हैंडसेट को ज़िंदा करने के लिए डंप फाइलें चाहिए होती हैं। तो हम लोग इजी टैग के इस यूएसबी टैब का यूज़ करके डंप बना सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से उसे बता दे रहा हूँ, आपको हैंडसेट को पहले रूट करना है, इसके साथ ही आपको उसमें यूएसबी डिबगिंग डेवलपर ऑप्शन में जाके ऑन करना है। ये सब बहुत आसान प्रोसेस है, मैंने अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में इसकी एक एक डिटेल से जानकारी दी हुई है। इसके आपको डिटेक्ट ऑन कंडीशन में सेट लगाना है यूएसबी के थ्रू, कोई भी हैंडसेट डिटेक्ट एडीबी करना है, इसका डिटेक्ट पार्टीशन करना है, यहाँ पे आपको पार्टीशन शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको लिमिट, ये इस पर टिक नहीं रहता है, लिमिट डंप साइज टू करना है, कितने एमबी की आपको डंप बनानी है, आप 256 एमबी, 512 एमबी, 128 एमबी, 64 एमबी कितने की बना सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में 512 एमबी की डंप एक सफिशेंट डंप होती है। इसको सेट करने पर आप डंप पार्ट पे क्लिक करेंगे, एक फोल्डर खुलेगा जिस सेंसर के आप डंप रीड कर रहे हैं उसका नाम देकर आप उसका डंप रीड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी हैंडसेट की वाया यूएसबी केबल के थ्रू ऑन कंडीशन में डंप रीड कर सकते हैं। इसमें आपको एमएमसी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस टैब का यूज़ करिए और बहुत आसानी से अपने डंप का कलेक्शन करिए। बस आपको थोड़ा सा दिक्कत रूटिंग की आएगी, रूटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, यदि आप प्रॉपर ये काम करते रहते हो तो आपको इसको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि कैसे यूएसबी के थ्रू आपको किसी हैंडसेट की डंप रीड करनी है, ठीक है। अब हम लोग अपने लेक्चर में आके देखते हैं कि हम लोग आपको किन सेटों की रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस हफ्ते पिछले कुछ दिनों में जैसे हम लोगों ने एसटीसी डिज़ायर हैंडसेट 516 जिंदा किया है, आईटेल A44 जिंदा किया है, इसमें आईसी ख़राब थी आईसी चेंज करके, माइक्रोमैक्स A106 Q345 में भी हम लोगों ने जिंदा किया है, सैमसंग SM J510FN जिसमें पिट फाइल एरर आ रही थी, तो ये हैंडसेट सर्विस सेंटर से लौटा था, इस सारे हैंडसेट्स को हम लोगों ने जिंदा किया है। चलिए हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग पास बहुत सारी टेस्टेड डंप भी अवेलेबल हैं, जो भी हमारे दोस्त ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं उनको बहुत सारी टेस्टेड डंप मिलेंगी। साथ ही हम लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं कि आपको कैसे टेस्टेड डंप रीड करनी है बहुत आसानी से। तो दोस्तों ये सब फैसिलिटी जो हम लोग अपने प्रोग्राम में दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं पे मिलेगी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेक्चर में। मैं इस बात की आपको श्योरिटी देना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको प्रोग्रामिंग के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये मेरा आपसे दावा है, क्योंकि मैंने इतनी गहराई से वीडियो आपके लिए बनाए हैं, एक एक चीज़ का इतने डिटेल के साथ आपको उसमें विस्तार से वर्णन किया है कि आपको एक एक चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी और आपको एमएमसी बोझ नहीं लगेगी, एक एंजॉय करके आप एमएमसी प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। इस तरीके से मैंने अपने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करके आपके लिए वीडियो बनाए हैं। दोस्तों बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे इन प्रोग्राम के साथ जुड़िए और देखिए कि हम लोग का कंपी गैलेक्सी टीम का सपोर्ट कितना लाजवाब है और कंपी गैलेक्सी टीम कितनी डेडिकेटेड है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला हैंडसेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, डिज़ायर 516, ठीक है। तो एसटीसी का हम लोग पहले खोलते हैं, एसटीसी के कई मॉडल्स हैं, ये देखिए ये इसका
ये इसकी आइडेंटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये प्रोग्राम में जो है पेंट में ओपन करूँ मैं, पर बता आपको ये भी बता देना चाहता हूँ इस सेंसर में दिक्कत क्या थी। इसमें जो है जब हम लोग ने आईसी, ये हैंडसेट डेड था, केवल क्वालकॉम पोर्ट बना रहा था, जब इसमें हम लोग राइट कर रहे थे फाइल तो एरर आ रही थी राइटिंग की, तो जब हम लोग ने इसको आईसी निकाल के लगाई तो हम लोग ने देखा कि इसमें फर्मवेयर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों हम लोग ने इसमें फर्मवेयर डाला है, उसके बाद फर्मवेयर डालने के बाद ये देखिए फाइनल फाइनल इन्फो ये है, ये देखिए इसकी टेस्टेड डम देखिए हम लोग पास अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं, इस हैंड सफलतापूर्वक रिकवर किया है। ऐसे 516 हम लोग ने बहुत सारे हैंडसेट रिकवर किए हैं। आईटेल A44, देखो आईटेल A44 में दोस्तों दिक्कत ये थी, ये मेरा एक स्टूडेंट राम किशोर मेरे पास लेकर आया था, इसमें दिक्कत ये थी कि मैं आपको इसके लॉक खोल के दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें आईसी ख़राब, इसमें उसने गलत फाइल डाल दी थी जिसकी वजह से हैंडसेट डेड हो गया था। जब मैंने इसको आईसी चेक की तो इसमें आईसी में फॉर्मेटिंग और राइटिंग एरर आ रही थी, आईसी शो हो रही थी, उसकी डंप रीड हो गई थी लेकिन उसमें एरर आ रही थी इस टाइप की। ये आईसी हम टेस्ट करने पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आईसी ख़राब हो चुकी है, इसमें डेटा राइट नहीं होगा। इसके बाद सेम आईसी, सेम मॉडल की आईसी हम लोगों ने लगा के इस हैंडसेट को जिंदा किया, इसकी फ़ोटो भी मेरे पास अवेलेबल है। उस आईसी में एमएमसी, जो पुरानी आईसी है उसमें एमएमसी पासवर्ड लॉग भी दिखा रहा था। दोस्तों ये हैंडसेट जिंदा करके मुझे बहुत खुशी हुई और इससे स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन भी मिला कि इसको मैं आपको पेंट में खोल के दिखा रहा हूँ, और इसको मैंने प्रोग्रामिंग करके कंप्लीट जिंदा किया है। इसके बाद इसमें कोई भी अदर फाइल डालने की, बाद में फ्लैश करने की जरूरत नहीं रही है। ये देखिए ये इसकी डंप ही यहाँ पे मैंने रीड की हुई है, ये देखिए पूरी कंप्लीट इन्फो के साथ, ठीक है। इसका बैकअप भी मेरे पास है, जो मैंने बाद में डाला तो आईएमए वगैरह भी कंप्लीट मिल गई थी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यदि आप कंप्लीट बैकअप किसी हैंडसेट का ले लेते हैं तो आपको आईएमए की झंझट नहीं रहती, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लोग एमएमसी किसी हैंडसेट में करते हैं तो बैकअप प्रॉपर नहीं ले पाते या राइट करना भूल जाते हैं, तो उस केस में होता क्या है कि आईएमए डालने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब कंप्लीट प्रोसेस हम लोग आपको बता रहे हैं जिसके बाद आपके किसी भी हैंडसेट को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके हैंडसेट सफलतापूर्वक होंगे, आपको बहुत कम समय में आप हमारे हैंडसेट जिंदा कर सकेंगे यदि आपके पास कंप्लीट नॉलेज है। माइकोमास A106, इसमें दोस्तों जब मैंने CM2 से टेस्ट लिया था तो पार्टीशन एरर आ रही थी, मैं माइकोमास का फोल्डर खोलने जा रहा हूँ A106। दोस्तों ये इस मई, ये कोई पिछले कुछ दिनों के हैंडसेट्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ने जो है जो जिसकी टेस्ट रिपोर्ट हम लोग आपको दे रहे हैं कंपनी गैलेक्सी टीम की। मेरा ये मानना है कि जो आदमी इस लेवल का वर्क करें वही आपको काम प्रॉपर सिखा सकते हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ एमएमसी का काम सीखने से पहले आप देखिए कि आप कहाँ से प्रॉपर सीख सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कीजिए अपना पैसा यदि आप सही जगह लगाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आइए, लेकिन कहीं भी जाइए पूरी इंक्वायरी करने के बाद, ताकि आप जब वहाँ से लौटें तो आप अपनी शॉप पर एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ एमएमसी का काम कर सकें। तो दोस्तों इसमें पार्टीशन एरर CM2 की मेरे पास इन्फो भी कहीं रखी हुई है जिसमें थी, जिसको हम लोगों ने ज़िंदा किया है, ये देखिए ये इसकी मदरबोर्ड की वो है। दोस्तों हम लोग पास बहुत सारे एंड्रॉइड हैंडसेट जिंदा करते हैं, कई बार काम अधिक होने के कारण हम लोग फ़ोटो नहीं खींच पाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट हम लोग डालते नहीं हैं। अगर आपको मेरी बहुत ज़्यादा टेस्ट रिपोर्ट्स देखनी है हैंडसेट सफलतापूर्वक की, तो आप मेरे फेसबुक पेज राजमोहन सिंह पे जाकर RAJMOHNSINGH लखनऊ के नाम से आप फेसबुक पे सर्च करके देख सकते हैं। ये देखिए ये 106 का हम लोगों ने ज़िंदा किया हुआ है, ये देखिए इसकी कंप्लीट मेरे पास डिटेल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आईसी की डिटेल में मैंने आपको दिखाई है। इसके अलावा यदि हम और अगला हैंडसेट देखते हैं तो माइक्रोमैक्स Q345 से देखिए, Q345 की रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी सबसे पहले आप इन्फो देखिए कि इसकी जब हम लोगों ने फ्लैशिंग किया तो हैंग ऑन लोगों पर हुआ था, इसकी आईसी शायद रीड ओनली हो गई थी, जो CM2 के CM2 MTK टेस्ट में इसकी आईसी को रीड ओनली दिखाया था। जब हमने टेस्ट ली थी तो इसकी आईसी की लाइफ देखिए ख़त्म हो चुकी है, देखिए लाइफ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये हैंडसेट तो बहुत ईजिली जिंदा हो जाते हैं, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है,
ये देखिए, ये इसकी पीसीबी की एमएमसी के साथ एक इमेज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं पेंट में खोल रहा हूँ, पेंट में थोड़ा जल्दी खुल जाता है दोस्तों। इसका जो अपना व्यूवर है वो बेकार है। ये देखिए, ये माइक्रोमैक्स क्यू 345 की इमेज है और ये ओके हैंडसेट की इमेज है। ये देखिए, ये देखिए उस पर हैंडसेट की मैंने आपको इमेज दिखाई है, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद हम लोग अगर और देखते हैं तो एक मेरे पास हैंडसेट J510FN आया था, जिसको ज़िंदा करके मुझको बहुत मज़ा आई। इसमें जो एरर थी, ये बाहर का सेट था, इंडिया का सेट नहीं था, और ये सर्विस सेंटर से रिटर्न सेट था, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने तो इस सेट में फ्लैशिंग से भी मना कर दिया था सर्विस सेंटर ने। तो दोस्तों, इसकी मेरे पास रिपोर्ट है, ये देखिए। जब मैं इसको Z3X से फ्लैश कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ तो कौन सी एरर, पिट फाइल डाल के भी जब फ्लैश कर रहा हूँ तब भी एरर आ रही है, और जब मैं पिट फाइल विदाउट पिट फाइल कर रहा हूँ तब भी एरर आ रही है। इसमें हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रप्ट थे, इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, कुछ ऐसी दिक्कत थी। अभी मैं लॉग देख के आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एरर आ रही थी। इसकी मेरे पास कंप्लीट रिपोर्ट है। इसके बाद मैंने जब ZTAC से इन्फो ली थी तो मैं आपको वो भी, इस ZTAC प्लस इन्फो ली है तो मैं उसकी भी रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। ये देखिए, ये अगर आप रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है वार्निंग, हेल्थ रिपोर्ट इज़ वेरी बैड। तो इस आईसी को हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसका डंप बैकअप बनाकर इसके बाद हम लोगों ने इस हैंडसेट को जिंदा किया है। तो दोस्तों, ये हैंडसेट जो है सफलतापूर्वक हम लोगों ने रिकवर किया है। तो ये देखिए, ये फाइनल रिपोर्ट है आईसी को सही करने के बाद। इसके बाद ये देखिए आईसी की रिपोर्ट है, आईसी की क्या कहते हैं इमेज है पीसीबी के साथ। ये देखिए J510FN, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये फाइनल जो है ऑन हैंडसेट की इमेज जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें खोलने में टाइम लगता है दोस्तों, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हैंडसेट सफलतापूर्वक जन्ना हो चुका है। इस तरह बहुत सारे हैंडसेट की रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें बेसबैंड वगैरह सब ओके हैं। मैंने जब इसको फेसबुक डाला था तो एक किसी बंदे ने कमेंट किया था कि इसमें बेसबैंड नहीं है, मत पता नहीं उसने कैसे देख लिया था, फिर इसलिए मैंने देखिए देखिए बेसबैंड की भी फ़ोटो इसमें डाली है। देखिए बेसबैंड ओके। तो दोस्तों, यदि आप हमारे MMC प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको MMC का काम कंप्लीट सीखने में बहुत ही मज़ा आएगा। दूसरा, हम लोग आपको ऐसी नॉलेज देंगे कि फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इस बात का हमारा 100% दावा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग डंप फाइल बनाते हैं USB केबल के द्वारा किसी ऑन हैंडसेट में। इसमें आपको MMC निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा हमने कंप्यूटरलेक्सी टीम के कुछ पिछले दिनों की टेस्ट रिपोर्ट दिखाई जो हम लोगों ने हैंडसेट जिंदा किए हैं। तो दोस्तों, हमारे दो ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, एक मोबाइल सॉफ्टवेयर का और एक MMC ऑनलाइन सपोर्ट, यदि आपको MMC निकालना आता है। तो दोस्तों, हमारे इन प्रोग्राम के साथ जुड़कर अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट जनरेट कर सकते हैं यदि आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, हम लोग का जो ऑनलाइन सपोर्ट है, या यदि आप यहाँ आकर हमारे पास 10 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं तो इसका सपोर्ट अल्टीमेट है। ऐसा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, इस बात का हम लोग का दावा है। हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़िए और देखिए कि आपके शॉप में काम की कैसे बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जब आप अपनी शॉप से 100% रिजल्ट देने लगेंगे तो आपकी शॉप पे और हैंडसेट्स आएंगे, कई हैंडसेट जो और जगह से हो सकता है बंदा ना बना पा रहा हो, लेकिन आपके शॉप पे आते हैं, आपके पास कंप्लीट नॉलेज है, आप उसको बना देते हैं तो आप रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा देंगे और आपके यहाँ कस्टमर की तादाद बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, इस वजह से मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तब भी मैंने कोशिश की है कि जो भी मैं टॉपिक रखें इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कॉम्फी गैलेक्सी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और आप हम लोग से क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके बारे में हम लोग बताइए, ताकि हम लोग और अच्छे बेहतर तरीके से आपके सामने पेश हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।